आज स्टील सर्विस इंडस्ट्री लघु और मझौले उद्योगों का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। आइए देखते हैं कैसे। स्टील सर्विस इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री है जो स्टील के कॉइल्स को ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार प्रोसेस करते हैं और इसीलिए इन्हें स्टील प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है। नाउ स्टील इज अवेलेबल इन अ जनरल फॉर्मेट इन कॉइल फॉर्म। नाउ हाउ डू यू टेक अ लार्ज कॉइल एंड यूज इट इन अ फैक्ट्री? फैक्ट्रीज आर यूजली स्मॉल शेड्स where they process add value to it. Now if you want to make cycle parts to it, he cannot take a big coil and make it. It has to be in sheet form, usable format. Or a Honda, if you see a motorcycle tank, it is only uses 40-50 kgs of steel. Now if you give it to a press shop, the coil has to be slit, cut to his size and pressed. And this is what we provide to the customer, ready to use. आज ये स्टील प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही आधुनिक तकनीक और विकसित सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रही है। वी हैव मैनुअल मशीन्स व्हिच वर बेसिकली गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी एंड टुडे वी हैव ऑल आवर मशीन्स ऑन ड्राइव्स एंड दे यूज पीएलसीज। सो ऑल योर कटिंग साइजेस आर एक्यूरेट टू द एमएम, टू द माइक्रोन, नॉट इवन एमएम। So we have those facilities which are based on sensors, drives, which give you the better accuracy, which was not available. Even today, most of the service centers don't use it. We are the one who invested first. And these systems can be uploaded onto ERP through using SCADA. These are the next generation, I can say, which is at par to any of the Western countries which we are investing today. और तो और स्टील सर्विस इंडस्ट्री अपनी सेवाओं की ग्रेडिंग भी करने में लगी हुई है। सो वी हैव अ न्यू विजन कॉल्ड द 5-star steel एंड 2020 विजन 2020। नाउ 5-star steel टॉक्स अबाउट डिलीवरीज, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड What the customer needs. We are planning to rate our service. आज भारत में निर्मित डेंटल चेयर्स का बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ इस इंडस्ट्री में बहुत बदलाव भी आ रहे हैं। भारत में डेंटल ट्रीटमेंट चेयर्स का एक बहुत बड़ा बाजार है। आज इनमें बहुत बदलाव आ गया है, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और उन्नत हो गई हैं। ये है भारत की एक मशहूर डेंटल चेयर बनाने वाली कंपनी और इसने डेंटल चेयर्स को आधुनिक बनाने के कई प्रयास किए हैं। पहले जो पैनल्स आते थे कंट्रोल के, वो कुर्सी की सीट के साइड में आया करते थे, तो जब हम काम करने के लिए कुर्सी पे अपने स्टूल पर बैठते हैं तो हमारा घुटना बार बार कीपैड को टच करता था और पेशेंट की पोजीशन चेंज हो जाती थी, तो पेशेंट में घबराहट पैदा होती है। तो एक और, जब हमारे से गलती से कोई बटन दब जाए तो एंग्जाइटी बढ़ जाती थी, तो उसको हटाने के लिए हमने वो कीपैड वहाँ से ट्रांसफ़र करके पीछे दे दिए। तो हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए थे सन 2010-12 में, जहाँ पर हमने लेदर अपहोल्स्ट्री और मेमोरी फोम दिया। जैसे ही पेशेंट कुर्सी पर बैठता है तो वो फोम उसके बॉडी के पार्ट्स के हिसाब से मोल्ड हो जाती है, और लेदर अपहोल्स्ट्री जो होती है वो गर्मी इतनी पैदा नहीं करती जितना रेक्सिन करती है, तो पेशेंट को एक कंफर्ट आया। आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री डेंटल चेयर्स के लिए नए नए सॉफ्टवेयर्स भी विकसित करने में लगी हुई है।
तो सॉफ्टवेयर के साथ जैसे मैंने आपको बताया म्यूजिक सिस्टम आएगा और इसमें हमारा एक टीवी आएगा, टीवी के साथ में हमारे पेशेंट को हम कैमरे पे सारी चीज़ें दिखाएंगे रिकॉर्डिंग में, जो पहले से ट्रीटमेंट चालू करा और पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट होने के बाद तक का, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर हम एक SD कार्ड में देंगे ताकि पेशेंट मोबाइल में भी देख सकता है और डॉक्टर उसको थ्रू मेल भी भेज सकता है। एक सॉफ्टवेयर और डेवलप हो रहा है जिसमें हर प्रकार की बीमारी जो डेंटल से रिलेटेड होती है वो हमारा सॉफ्टवेयर पेशेंट को डायरेक्टली ही बताएगा, डॉक्टर को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक यूज़र फ्रेंडली कुर्सी हो जाएगी जहाँ पे डेंटिस्ट का काम मिनिमाइज हो जाएगा और पेशेंट के रिस्क मिनिमाइज हो जाएंगे। डेंटल चेयर नए मटेरियल से बनाने की भी तैयारी चल रही है। हमारी एस्थेटिक्स कंपेयर टू जो वर्ल्ड मार्केट है, हमारे एस्थेटिक्स बहुत पुअर है। इंडिया में जितनी हम कुर्सियां बनाते हैं उनमें डिज़ाइन नहीं है। चाइना में वो क्या करते हैं, मोल्ड्स प्लास्टिक के लिए बना लेते हैं, तो जो हमारे हैं वो फाइबर में है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम प्लास्टिक में लगाते हैं तो प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ जाएगा, फाइबर का काम घट जाएगा। एंड प्लास्टिक जानते हैं रीयूजेबल नहीं है और रिपेयरेबल नहीं है, बट फाइबर रिपेयरेबल है। फाइबर को बनाने में मैन पावर बहुत ज़्यादा लग रही है और वो एक बार बन जाता है तो उसके ढांचे को हम तोड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते और उसको हम कहीं पर भी वेस्ट में बाहर नहीं फेंक सकते। एटलीस्ट प्लास्टिक तो रीयूज हो जाएगा। आज भारत में मेडिकल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, इससे डेंटल चेयर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। मांग बढ़ रही है तो डेंटल चेयर का रंग रूप और तकनीक में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। जितने प्रोफेशनल हर साल इंडिया में आएंगे उतना बड़ा मार्केट है। इसके अलावा आजकल हर हॉस्पिटल जो कमर्शलाइज हो चुका है वो एक डेंटल विंग खोल लेता है। काफ़ी ग्रुप्स आए जा रहे हैं इंडिया में, जैसे एक KDC ग्रुप है जो एक चेन ऑफ हॉस्पिटल खोलता है लगभग 100 या 150 क्लिनिक का, और उनकी रिक्वायरमेंट 300 से 600 कुर्सी होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने हैं इंडिया में वहाँ पर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट DCI ने सेट कर रखी है 212-250 इनपुट स्टूडेंट के हिसाब से डिसाइड करके, तो एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। तो वी आर ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 15% पर आना। बिजनेस स्ट्रीट के हमारे ट्रेवल सेगमेंट में इस हफ्ते हम आपको ले जा रहे हैं मालदीव्स की सैर पर। एशिया का एक खूबसूरत देश मालदीव्स, कुल 1200 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना ये खूबसूरत देश अपने साफ सुथरे तटों, नीले साफ समुंदर और अंडरवाटर सी लाइफ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मालदीव्स जियोग्राफी इज सच दैट हैज सुपर्ब बीचेस एंड क्रिस्टल क्लियर लैगून्स एंड वाटर्स, सो व्हिच इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ मालदीव्स। And also we have the pristine coral reefs and some of the best underwater life anywhere on the planet. Maldives mein vilasita ko charam tak anubhav kiya ja sakta hai. Yahan par kul milakar 92 island resorts hain jo paryatakon ko water sports, scuba diving aur island hopping jaisi kai suvidhaen dete hain. मालदीव्स जाएं तो स्कूबा डाइविंग करना ना भूलें। यहाँ के कोरल रीफ्स विश्व में अद्वितीय हैं। पानी के अंदर की सुंदरता बाहर के नजारों को भी मात दे देती है। इसके अलावा अपने वकेशन में से एक दो दिन निकालकर मालदीव्स के नेटिव आइलैंड जरूर देखें। I would suggest any visitor, especially from India, to experience the Maldivian beauty. Go diving, scuba diving, go snorkeling, and see the reefs and the marine flora and fauna. Enjoy it.
That is a very important aspect of Maldives, because this is something quite unique, which you don't find in most parts of the world. Resorts organize what we call the island hopping or excursions to inhabited islands, to the capital island, and also sometimes to uninhabited islands where you can enjoy more privacy, you know, compared to your resort island. मॉलडीव्स में वाटर प्लेन्स की सबसे बड़ी फ्लीट है। इस एयर टैक्सी से मॉलडीव्स की सैर और भी रोमांचक हो जाती है। यहाँ के द्वीपों पर रहने और खाने के लिए कई फाइव स्टार होटल्स और रिसॉर्ट्स उपलब्ध हैं। और यहाँ मालदीवियन क्विजीन के साथ साथ भारतीय स्वाद को ढूंढने में भी पर्यटकों को मुश्किल नहीं होगी। मालदीव्स जाने के लिए भारत से दो सीधी विमान सेवाएं उपलब्ध हैं और यहाँ के लिए कई आकर्षक पैकेजेस भी उपलब्ध हैं। मालदीव्स रिलैक्सिंग, रिजुविनेटिंग और लग्जूरियस गेटवे के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा है और यहाँ के पैकेजेस भी काफी हाई एंड हैं। Excluding the airfare, the resorts in Maldives normally charge anywhere between $200-$300 per night. That's the very minimum, up to $10,000-$12,000 per night in some of the very exclusive islands. So normally, depending on how much time you want to spend in the Maldives, it will cost you somewhere around $1,000 to many thousands more. From India, there are currently two direct connections to Malé, one from Thiruvananthapuram in Kerala and one from Bangalore. They have direct flights. From Delhi, although we don't have direct flights from Delhi, it's very easy to fly either via Bangalore, Trivandrum or via Colombo. We have daily flights too. मालदीव्स युवा पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है और भारतीय तो हमेशा से ही इसके दीवाने रहे हैं। तो अगर आप भी विलासितापूर्ण छुट्टियों का आनंद उठाना चाहते हैं तो मालदीव्स जरूर जाइए।